सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं अभिषेक और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ TVS Raider 125 के 5 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट जिन वजह से आप ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो 5 पॉइंट जो आप लोगों को मैं वीडियो बताऊंगा, वो जो मुझे 5 पॉइंट इसमें सबसे जो अच्छे 5 पॉइंट मुझे लगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगा, वो मुझे इसका लगा टोटल LED सेटअप। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल LED सेटअप गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, तो वो भी ऑन करके आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो यहाँ आपको टोटल LED लुक जो है वो देखने के लिए गाड़ी का मिल जाएगा। ये DRL भी है। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट था। सेकंड जो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट लगा, वो इस प्राइस रेंज में जिसको प्राइस है, तो ये ऑन रोड आपको 1415 की पड़ जाएगी, 1415 के आसपास ऑन रोड में। तो इसका जो प्राइस है वो भी मुझे इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ही लगा। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा, वो लगा इसकी TFT डिस्प्ले। तो जो फ्रेंड्स इस प्राइस में जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों में आपको इस तरीके की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो उस हिसाब से इसका जो ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये भी इसमें एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी का लगा। तो टोटल सर, तो टोटल फ्रेंड्स 3 पॉजिटिव पॉइंट गाड़ी के हो गए हैं। चौथा पॉजिटिव पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का माइलेज। तो 125 cc की गाड़ी के होने के बाद भी ये आपको इजीली 60 to 65 का माइलेज आपको दे देगी सिटी में। तो ये एक काफ़ी अच्छा माइलेज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस हिसाब से, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस तरीके का माइलेज, इस तरीके के फीचर्स और कोई भी गाड़ी आपको कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर बात करें उसके सबसे बड़े कंपटीशन की जो है NS125, तो उसमें आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उसमें अभी भी एनालॉग प्लस डिजिटल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाएगा। और उसमें आपको LED सेटअप नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको एक LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो ये इसका था तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। और चौथा पॉइंट मैं बताऊँ तो इसमें आपको प्राइस में, इस प्राइस रेंज में आपको पावर और इको मोड दिया गया है गाड़ी में। ये देखिए, इको एंड पावर मोड। तो इको और पावर मोड आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसका चौथा पॉजिटिव पॉइंट था। जिस हिसाब से गाड़ी का प्राइस है, उस हिसाब से मोड में, इसमें मोड देना जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आ रही है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आ जाती है। और जो उसका पांचवा और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इसकी सीट। तो इसकी सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसके सभी कंप्यूटर से सीट काफ़ी कुशनिंग। ये देखिए, सीट काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी बड़ी सीटें हैं, स्प्लिट सीट है। तो ये भी मुझे इसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा। बाकी ओवरऑल गाड़ी का लुक आप देख लीजिए, किस तरीके की गाड़ी निकल के आ रही है। ये एक वॉक अराउंड लुक आप गाड़ी का ले लीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो ओवरऑल जो फीचर्स जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आ रही है, जो माइलेज आपको मिल रहा है, ये बेस्ट बाइक हो सकती है जो 125 cc में गाड़ी देख रहे हैं। क्योंकि एक TVS का ब्रांड भी आपको यहाँ पर को मिल जाता है, जो कि एक अपने आप में एक जाना माना ब्रांड है। तो एक अच्छे ब्रांड की गाड़ी जो, जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी, प्लस इसमें आपको एक अच्छा जो पॉजिटिव जो लगेगा, वो इसका माइलेज भी इसमें अच्छा होगा। LED सेटअप टोटल दिया गया है, TFT डिस्प्ले दी गई है। तो कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फिलहाल 5 मैंने टॉप 5 आपको गिना दिए हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी और भी इस टॉपिक पर, इस गाड़ी की और भी जो डिटेल आपको चाहिए, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस गाड़ी का कोई भी डिटेल आपको चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने गाड़ी में बताने की कोशिश की गई है आपको कि कई कई चीज़ें हैं इससे पॉजिटिव और निगेटिव रहती हैं। बाकी इसकी एक निगेटिव की वीडियो भी मेरी आएगी, मैं कल या परसों तक इसकी एक निगेटिव की वीडियो भी डाल दूँगा, क्योंकि हर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होते हैं। तो इस गाड़ी के जो निगेटिव पॉइंट होंगे, वो भी मैं आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर आने वाली हैं। बाकी एक इसका हिल रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ कि 125 cc के हिसाब से क्या हिल्स में ये सुटेबल है चलने के लिए, तो वो वीडियो भी चैनल पे आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।